नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं दीपक फार्मेसी। क्या आपका भी बहुत ज़्यादा मुंह महकता है या फिर आपके भी दांतों में बहुत ज़्यादा सड़न हो रहे हैं आजकल और बहुत ज़्यादा मसूड़े आपके फूल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है या फिर दांतों से खून भी बहता है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम किस कारण होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको लंबे समय तक अपने मुंह को आप साफ रख सकते हैं जिससे आपकी बदबू ना आए और आपका मुंह भी सेफ रहे और कोई प्रॉब्लम को मतलब दोबारा नहीं होने दे। तो सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी मैं बताऊँ आपको कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, कैसा आपको वीडियो देखने के लिए मिल सके। दवाई की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में, दवाई की जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो सुनिए ध्यान से, देखिए हमारे मुँह की जो साफ सफाई होती है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ब्रश कर लिए तो मुँह की साफ सफाई हो गई, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा सही बात नहीं है ये। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि मुँह साफ कर लेंगे दांत से, मतलब ब्रश से साफ कर लिए मुंह, पेस्ट लगा के, बढ़िया पेस्ट लगा के साफ कर लिए तो आपका मुंह साफ रहेगा, आपका बदबू नहीं देगा। तो ये सब गलत सोचना है आपका, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप दांत अच्छा से साफ करते ही हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होता ही क्यों, आप खुद ये सोचे हैं कि बहुत सारा कंपनी बोलती है, मैं कंपनी का कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी बोलती है कि मेरा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए अच्छा है, मैं टूथपेस्ट में नमक है, मेरे टूथपेस्ट में ये है तो वो है बोलती है, लेकिन ठीक क्यों नहीं होता है आपका दांत। तो आज मैं आपको कारण बताता हूँ असली क्या इसका कारण है। देखिए, हम लोग तो पहले तो अपने दांतों का अच्छा से केयर नहीं करते, केयर करने से ही सब चीज़ सही होता है। आजकल एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि लोग तो अपने 86% लोग जो है हमारे इंडिया में चाहे फिर कहीं भी, जो कि अपना दांत साफ करते तो हैं ब्रश से, लेकिन उसको प्रॉपरली केयर नहीं करते, जिस कारण उनको दांतों में सड़न जैसी प्रॉब्लम या फिर दांतों में बदबू आना, मुंह से बदबू आना, दांतों में बहुत ज़्यादा सड़न हो जाना, ये सब के प्रॉब्लम का सामना वो करते हैं। तो इससे छुटकारा कैसे दिया जाए, देखिए छुटकारा पाने के लिए तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये होता क्यों है। देखिए, सबसे पहले कारण यही है कि आप केयर आप अच्छे से मुंह का अपना नहीं करते हैं। पहले तो केयर करना स्टार्ट कीजिए। केयर के दौरान आप क्या कर सकते हैं, केयर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में सुनिए। देखिए, आप क्या करते होंगे आजकल देखते होंगे, आप कोई भी डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं कि मेरे दांतों में सड़न हो गया है, मेरे दांतों में ये हो गया, तो वो 10 तरह का प्रोडक्ट दे देते हैं। 10 तरह का प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आपके पास आप जरूर जानते होंगे कि माउथ वॉश रहता है, जो कि गलाला करना पड़ता है या फिर माउथ वॉश टाइप का रहता है, जैसे बेटाडीन का नाम सुना होगा आपने, बहुत तरह तरह कंपनी का आता है, ओरल एक्स आता है, या फिर बहुत बड़े बड़े कंपनी है जिसका डेंटिस्ट लोग जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो आपको देते हैं कि इससे आपको गलाला करना है जिससे आपका दांत का सड़न बदबू सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब सारे जो भी ये देते हैं डॉक्टर, इनमें सारा चीज़ रहता है, अल्कोहल मिला हुआ रहता है, पैराबीन मिला हुआ है, जो कि हमारे शरीर के साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए तो नुकसानदायक है ही, हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक भी है। कैसे आप पूछे हैं, कैसे नुकसानदायक है, देखिए ये आपका बैक्टीरिया तो हटा ही देगा, मैं कोई ब्रांड को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, ये बैक्टीरिया तो आपका हटा ही देगा, लेकिन जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया मतलब कोई अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारे दांतों में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि खाने को अच्छे से तोड़ने में मदद करते हैं, वैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वैसे बैक्टीरिया को भी ये माउथ वॉश हटा देता है, कम्प्लीटली हटा देता है, जिसके कारण हम लोग को हमेशा माउथ में देखिएगा कि छाला आ जाता है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर जिंजिवाइटिस जैसा भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, देखिए इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कीजिए तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला, यानी नेचुरल केमिकल वाला कोई सामान इस्तेमाल मत कीजिए, नेचुरल वाला इस्तेमाल कीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेचर श्योर की तरफ से आने वाली एलोवेरा माउथवाश के बारे में। ये एक 100% सेफ एंड 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिला हुआ है। चलिए चल के पहले देखते हैं कौन सा मैं माउथवाश के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताएंगे, उसका विशेषताएँ क्या है वो भी बताएंगे। चलिए चल के देखते हैं पहले उसके बारे में बता दो, चलिए। हाँ, तो अभी आप मेरे सामने देख रहे होंगे नेचर शोर की तरफ से आने वाली एलोवेरा माउथ वॉश। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है विथ नीम एंड क्लोव, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 12 घंटा तक आपका फ्रेश ब्रीथ रहेगा, यानी मुंह महकने का भी आपका प्रॉब्लम है तो उसको ये सॉल्व करने का ताकत रखता है। देखिए एक पूरा तरीका से आयुर्वेदिक फार्मूला से बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैविटी में भी ये काम करेगा, आपका जो दांतों में सड़न हो गया उसको भी कम करेगा और जो बैड स्मेल मतलब जो बदबू आती है आपके मुँह से उसको भी ख़त्म करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दंत धावन द्रव, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसमें देखिए मिला हुआ है सिनेमन मतलब दालचीनी जो आप जानते होंगे, लौंग मिला हुआ है, कार्डमन, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ मिले हुए, नीम मिला हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर के लिए भी और आपके दांतों के लिए। सो यूज़ कैसे करना है, देखिए डाइल्यूट 1:1 रेशियो, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक
एक चम्मच मतलब एक ठेपी में इतना ले लीजिए जितना इसमें आता है इतना ले लीजिए, और उसी अनुसार उतना पानी मिला लीजिए, उसी के अनुसार आपको मतलब गलाला करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, 6 साल से नीचे जो उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं देना है। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करिए तो जिस इसका कैप है इसको कैप को अच्छे से आप बंद कर दीजिए, जिससे कोई इसका नुकसान ना हो सके। तो आप समझ चुके हैं कितना अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए 100% ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, जो कि आपको कुछ सोचना नहीं है इस प्रोडक्ट को यूज़ इस्तेमाल करने के लिए। तो आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए। ये एक बार याद रखिएगा, ये ग्रीन का सिंबल आप समझते होंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये 100% वेजिटेरियन भी है, कोई इसका दिक्कत नहीं है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए आगे वीडियो में बताते हैं इसके और। हाँ, तो अभी आपने जो प्रोडक्ट देखा नेचर श्योर की तरफ से आने वाली एलोवेरा माउथवाश का, ये जो माउथवाश है इसमें यूनिक क्या है? आप बोलेंगे भैया यूनिक क्या है, ये तो मार्केट में मिल जाता है। देखिए इसमें यूनिक है, ये एक एलोवेरा से मिलकर बना हुआ है। हम लोग सब जानते हैं कि एलोवेरा हम लोग के शरीर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना अच्छा वो काम करता है। हम देखिएगा कि आपकी मम्मी भी बोलती होगी एलोवेरा बेटा रात में लगा लो, अच्छा चेहरा ग्लो करेगा। वैसे ही दांतों के लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा, आयुर्वेदा में ऐसा बताया भी गया है कि एलोवेरा जो होती है दांतों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो एलोवेरा इसमें मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है कि जो कि इसको अलग बनाता है, इसमें क्लोव और नीम भी मिला हुआ है, जो कि आपके जो दांतों में जो सड़न होते हैं या फिर दांतों में कभी कभी आप सुनते होंगे पैडिया जैसा बीमारी हो जाता है या फिर जिंजिवाइटिस जैसी बड़ी बीमारियों को भी ख़त्म करने में ये कारगर है ये माउथवाश। इसको अगर आप डेली रूटीन में ऐड करते हैं, डेली आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका दांत जैसे जैसे मजबूत होने लगा है, आपका जो भी दांतों में जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म होने लगा है, और जो भी आपको दिक्कत होता था दांतों से रिलेटेड वो सारा ख़त्म होने लगेगा। ये आप इतना ध्यान रखिए, एलोवेरा एक रीजेनरेटिव एजेंट की तरह काम करता है, जो कि आपके दांतों को मजबूत और आपके मसूड़ों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप चाहें तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए लाते ही रहता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर मेरे लिए कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे लिए कि मैं ऐसा प्रोडक्ट और भी आपको लाऊँ और ला के दिखाऊँ आपको कैसा कैसा प्रोडक्ट आजकल मार्केट में है अच्छा अच्छा और क्या नहीं है। तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे अपने भाई को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।